क्या आपको पता है कि संभोग करने के बाद नर मधुमक्खी की मौत क्यों हो जाती है? और ये क्या आपको ये पता है कि उल्टी आने से पहले मुंह में लार क्यों भर जाता है? नहीं ना? तो इस वीडियो में आपको ऐसे गजब के लल्लन टॉप फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फैक्ट्स से रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी जगह हैं, जिनमें से एक है बरमूडा ट्रायंगल, जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है। यहाँ से गुजरने वाली हर चीज़ लापता हो जाती है, चाहे वो पानी के जहाज़ हो या हवाई जहाज़ हो। बरमूडा ट्रायंगल के पास जो भी जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, और आज तक उनका कभी पता नहीं चला, और ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आर्मडिलो नाम का एक छोटा सा जीव होता है, जो देखने में बिल्कुल चूहे की तरह होता है, लेकिन उसके बाहरी खोल इतना मजबूत होता है कि यदि आप उस पर गोली भी चला दे तो उसको कुछ नहीं होगा। उसका बाहरी खोल पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होता है। हमें काउंटिंग तो बचपन से ही सिखाया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि 1 से लेकर 1000 के बीच में कभी भी ए नहीं आता है? क्या आपको पता है कि संबंध बनाने के बाद नर मधुमक्खी की मौत क्यों हो जाती है? नहीं ना? तो चलिए जानते हैं। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा और सुना होगा कि मधुमक्खियों के छत्ते में 3 तरह की मधुमक्खियाँ होती है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी, जिसमें से रानी मधुमक्खी का काम होता है सभी पर शासन करना और अंडे देना, और जो श्रमिक मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों का रस चूसने का काम करती हैं। तो जब भी रानी मधुमक्खी किसी नर के साथ संबंध बनाती है तो नर मधुमक्खी का लिंग मादा यानी रानी मधुमक्खी के अंदर ही फट जाता है, जिसके कारण नर मधुमक्खी की मौत हो जाती है। लेकिन घबराइए मत, इसके बाद मादा मधुमक्खी एक बार में ही 1400 से 1500 अंडे दे देती है, और उनका जीवन चक्र चलता रहता है। क्या आपको पता है कि इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला वॉर कौन सा है? तो मैं बता दूं कि रोमन पर्शियन वॉर इतिहास में सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाला वॉर है, जो कि लगभग 680 सालों तक चला था। यह वॉर 54 BC में शुरू हुआ था और 628 AD में जाकर ख़त्म हुआ। चलो मैं ऑक्टोपस के बारे में एक गजब का फैक्ट बताता हूँ। एक जेंट पैसिफिक नाम का एक ऑक्टोपस होता है। उस ऑक्टोपस के 3 दिल होते हैं, 9 दिमाग होता है, और उसके शरीर में लाल नहीं बल्कि नीला खून बहता है। और इसके अलावा जब एक लेडी ऑक्टोपस अंडे देती है तो वह एक साथ लगभग 56,000 तक अंडे देती है, और उसके अंडों का साइज लगभग एक चावल के दाने के समान होता है। क्या आपको पता है कि उल्टी होने से पहले हमारे मुंह में लार क्यों भर जाता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पेट में बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, जिसके कारण अगर वो हमारे मुंह में आए तो हमारा मुंह जल सकता है और ख़राब हो सकता है। तो उसी खतरनाक एसिड से बचाने के लिए हमारा दिमाग एक सिग्नल भेजता है और मुंह लार से भर जाता है, ताकि हमारा मुंह उस एसिड से ना जले। एक स्टडी के अनुसार ये पता चला है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक सोमवार को आते हैं, और इसके पीछे का रीजन ये दिया गया है कि जब संडे के दिन छुट्टी के बाद लोग जब मंडे को ऑफिस जाते हैं काम करने में, तो उन पे काम का इतना स्ट्रेस होता है कि वे उसके कारण उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। क्या आपको पता है कि हम लोग जो ऑरेंज खाते हैं वो असली ऑरेंज नहीं है? असली ऑरेंज हरे कलर का होता है। हम लोग जो ऑरेंज खाते हैं वो टेंजेराइन और पोमेलियो नाम के फल के हाइब्रिड से मिलकर बना होता है। क्या आपको पता है ओफियो कॉर्डिसेप्स बोलकर एक फंगी पाया जाता है, जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को जॉम्बी बना देता है। ये ज़्यादातर चींटियों को इन्फेक्ट करते हैं। ये फंगी चींटियों के बॉडी में लगभग 9 दिनों तक रहते हैं और उनके पूरे बॉडी को कंट्रोल करते हैं, उनके सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। वे चींटियों को पेड़ों पर चढ़ने के लिए फोर्स करते हैं, वहाँ से जंप करने के लिए फोर्स करते हैं, वे चींटियों को पत्ते खाने के लिए फोर्स करते हैं, और अंत में उन चींटियों को मार देते हैं। क्या आपको पता है कि हमारे दिमाग में इतना पावर होता है कि यदि हम किसी कार के की को अपने दिमाग की तरफ पॉइंट करें तो उस की के रिमोट सिग्नल का रेंज काफी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारा दिमाग एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। क्या आपको पता है जब हम लोग छींकते हैं तो हमारे छींकने की स्पीड एक चीता जो दौड़ता है उससे भी कहीं अधिक होती है? क्या आपको पता है कि अगर एक चूहा अगर जंगल में रहता है तो उसकी औसत उम्र लगभग 6 महीने की होती है, अगर वही चूहा अगर शहर में रखा जाए एक पीट बनाकर तो उसकी औसत उम्र बढ़ जाती है और लगभग 2 साल की हो जाती है। क्या आपको पता है कि मेडिसिन खाने के तुरंत बाद अगर आप अंगूर को खाते हैं तो आपकी जान भी जा सकती है? क्या आपको पता है सेंट लुसिया पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका नाम किसी औरत के नाम पर रखा गया हो?
मोशन पिक्चर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। मोशन पिक्चर्स वो होते हैं जिसमें बहुत सारे फोटोज को मिलाकर एक मूवी या फिल्म तैयार की जाती है। तो क्या आपको ये पता है कि सबसे पहली मोशन पिक्चर्स कौन सी है जिसमें साउंड डाला गया हो? जी हाँ, सबसे पहली मोशन पिक्चर्स है स्नो वाइट एंड सेवन ड्वार्व्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इसी तरह के और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।